बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्स सेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। यानी किसी भी एटम की वो एबिलिटी जो एक इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इसका जो ट्रेंड है वो पीरियड्स में और ग्रुप से हम देखेंगे कि कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज़ करती है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। इसका रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली ये है कि इसका जो जी इफ़ेक्ट है, ये जी इफ़ेक्ट जो है ये हायर होता है, हायर, और जो डिस्टेंस होता है ये शॉर्ट होता है। डिस्टेंस के शॉर्ट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर होता है वो ज़्यादा जल्दी से अट्रैक्ट नहीं करता। इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पीरियड्स में हमेशा इंक्रीज़ करती है। और ग्रुप्स में अगर हम देखें, ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है, तो इसका रिवर्स अगर आप कर दें तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप्स में ट्रेंड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ग्रुप्स में डिक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इसकी वजह क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि एटम का जो साइज़ होता है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है। एटम के साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से, एटम के साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो वीक हो जाता है। वीक, दैट्स द रीज़न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप्स में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है।